बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर है हमारा 3। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। ये लॉन्ग में आता है, इसके अलावा शॉर्ट में भी आ सकता है। जैसे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल शॉर्ट में आ सकता है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल शॉर्ट में आ सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में आप क्या क्या सीखेंगे? आप सीखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है एक एग्जाम्पल के साथ, आइडियल प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं, ट्रेजेक्टरी क्या होती है, और मेनली जो हमने डेरिवेशंस यहां पे फाइंड करनी है वो कौन सी 3 डेरिवेशंस करनी। नंबर 1, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो फाइंड करेंगे। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटीज फाइंड करेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटीज फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। बहुत ही आसान और सिंपल सा है ये। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? ये टू डायमेंशनल मोशन होती है अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन का क्या मतलब होता है? दो डायरेक्शन के अंदर मोशन। एक स्टोन लें, उसको ऐसे सामने की तरफ ऐसे थ्रो करें, आप नोट करेंगे कि वो आगे भी बढ़ रहा है और साथ साथ नीचे भी जा रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर भी ट्रैवल कर रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर रहा है। तो ये दो डायमेंशनल मोशन है, इसमें दो डायमेंशन आ जाती हैं। ठीक है, तो टू डायमेंशनल मोशन जो हमारे पास होता है अंडर कॉन्स्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है, ओके। एग्जांपल मैंने आपको बता दी, एक तो स्टोन जो आपने ऐसे थ्रो किया, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं इसकी। एक फुटबॉल को जो आप हिट करते हैं वो यहां से उड़ता हुआ से जाता है और फिर यूं नीचे आता है, इस तरह से गिरता है। तो ये भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें जो हमारा प्रोजेक्टाइल है यानी हमारा फुटबॉल है वो ऊपर की तरफ भी मूव करता है, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर भी, और हॉरिजॉन्टली भी मूव करता है। ठीक है, तो कोई भी बॉडी जो टू डायमेंशनल मोशन परफॉर्म करेगी अंडर कॉन्स्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो हम उसकी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। अब यहां पर हम जो प्रोजेक्टाइल डिस्कस करते हैं वो एक आइडियल प्रोजेक्टाइल होता है। आइडियल प्रोजेक्टाइल क्या होता है जरा वो देख लीजिए। एक होता है रियल प्रोजेक्टाइल। आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट ऐसे सेंड कर दिया तो यहाँ एयर रेजिस्टेंस मौजूद है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी मोशन को डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसमें एक्सेलरेशन लेके आ सकती है। विंड, अगर तेज हवा चल रही है वो उसकी हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्टर्ब कर सकती है। अगर बॉल स्पिन हो रही है, घूम रही है, वो उसकी मोशन को डिस्टर्ब कर सकती है, और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। तो आइडियल केस में हमारे पास एक ऐसा हम प्रोजेक्टाइल कंसीडर करते हैं कि जिसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर हम तमाम उन फैक्टर्स को निकाल देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं जो उसकी मोशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। मतलब एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर दोगे आप, ठीक है, आप निग्लेक्ट कर दोगे उसकी स्पिनिंग मोशन को, आप निग्लेक्ट कर दोगे उसकी विंड को, यानी जो आगे से तेज हवा चलती है उसको भी निग्लेक्ट कर दोगे। इन सब फैक्टर्स को हम निग्लेक्ट करेंगे, वो तमाम फैक्टर निग्लेक्ट किए जाएंगे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कोई भी जो प्रोजेक्टाइल है उसकी मोशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आइडियल प्रोजेक्टाइल आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली ये एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो आइडियल प्रोजेक्टाइल में आपने देख लिया कि हमने एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करना है, विंड स्पीड को निग्लेक्ट करना है। ठीक है, और हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट स्पिन भी नहीं करेगा, ये तमाम चीजें हमने निग्लेक्ट कर दी, वो तमाम फैक्टर जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी मोशन को डिस्टर्ब कर सकते थे। ओके, तो अब यहां पर आपने एक बात याद रखनी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट किया, अब सामने से एयर नहीं है जो उसकी मोशन को कम करेगी, वो जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा आगे की तरफ। ठीक है, कोई चीज है नहीं जो उसकी मोशन को सामने से डिस्टर्ब करेगी या उसको स्लो डाउन करेगी, इसलिए उसके अंदर उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होगा। अच्छे से याद रख लो ये पॉइंट, बार बार इस्तेमाल होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई ऐसी चीज नहीं जो उसकी मोशन को स्लो डाउन करे, उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, इसलिए इस केस के अंदर एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी सेम रहेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो फिर उसमें चेंज नहीं आएगा, यानी एक्सेलरेशन जीरो है। और साथ ही साथ वो बॉडी नीचे की तरफ भी मूव करती है। ठीक है, तो नीचे की तरफ जो मूव करती है वो अंडर कॉन्स्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मूव करती है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसका ए जो है यानी एक्सेलरेशन वो जी के बराबर होगा। ओके, अब हम इसको डिस्कस करते हैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ। पहले ये देख लें कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। वो हमारा पास वो ऑब्जेक्ट जो ये टू डायमेंशनल मोशन परफॉर्म करता हुआ आगे बढ़ रहा है उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, और जो पाथ वो फॉलो करता है, ठीक है, उस पाथ को हम बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। ठीक हो गया, ओके। अब हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसको हमने यहां से ऐसे थ्रो किया, हम देखते हैं कि वो आगे की तरफ भी मूव करता है ऐसे और नीचे की तरफ भी मूव करता है। यहां पर देखें ऐसे,
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ हमने इसको फेंका। याद रहे जब भी कोई कंपोनेंट आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं तो इनिशियली उसका वाई कंपोनेंट जो है वो जीरो होता है सिर्फ वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब ये आगे भी बढ़ रहा है और साथ साथ नीचे भी जा रहा है, टू डायमेंशनल मोशन आप देख सकते हैं इस तरह से आगे बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ा नीचे भी गया, तो इस तरफ को भी इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, इस तरफ को भी डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, वो मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड करेंगे जिससे हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं इस केस के अंदर, ठीक है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्केयर। अच्छा, हम ये सपोज कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसने जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स, ठीक है। तो कैपिटल एक्स फिर किसके बराबर होगा, इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, वी, तो आपके पास ये वी वेलोसिटी आ जाती है। टाइम कितना लगा इसको, टी प्लस वन बाय टू ए, ए यहां पर जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, मैंने आपको पहले बताया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो तमाम कंपोनेंट्स, वो तमाम फैक्टर्स हमने इग्नोर कर दिए जो कि इसकी मोशन को डिस्टर्ब कर सकते थे, इसलिए इसकी मोशन सेम रहती है, एक्सेलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसमें जीरो होता है इन केस ऑफ आइडियल प्रोजेक्टाइल। ओके, तो यहां पर ये जीरो हो गया, तो आपके पास एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी टी। ये आ गया जी आपके पास एक रिलेशन जिससे आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से हम ये देख लेते हैं कि इसने कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसको मैं कैपिटल वाई से डिनोट कर देता हूं। अगेन हम यही इक्वेशन यूज कर सकते हैं, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्केयर। अब वर्टिकल डायरेक्शन में जो फासला तय किया उसको हमने वाई से डिनोट किया, तो यहां पर हम लिख देते हैं वाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। ये देखिए यहां पर जो ऑब्जेक्ट को हमने सेंड किया था इस तरह सेंड किया था, याद रहे कोई भी वेलोसिटी या कोई भी वेक्टर अगर अलोंग द एक्स एक्सिस है या एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका वाई कंपोनेंट जीरो होता है। हमने वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दी इनिशियली, इनिशियली हमने फेंका ही ऐसे सीधा। हाँ, अगर ये इस डायरेक्शन में ऐसे होता जैसे हमने ये वाला सेंड किया है तो इसमें इसका एक्स कंपोनेंट भी है वाई कंपोनेंट भी है, लेकिन जो हमने सेंड ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किया है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है अलोंग द वाई एक्सिस वो जीरो होती है, इसलिए यहां पर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस जीरो होगी, जीरो मल्टीप्लाई बाय टी प्लस हाफ। अब इसके अंदर वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर था, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर है, यहां पर आपके पास जी आएगा और साथ में टी का स्केल। इस तरह से जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ गया एस इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्केयर, तो ये आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो ये दो चीजें आपने पहले फाइंड कर ली, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है। ये जो एग्जांपल है ये पंजाब की बुक में है, ठीक है, फेडरल वालों की बुक में नहीं है, केपीके की बुक में नहीं है, लेकिन क्योंकि इस बार जो एग्जाम आपका होगा उसमें पंजाब की चीजें भी शामिल होगी इसलिए मैंने इसको इस तरह से दोनों को मिक्स कर दिया कि हर बच्चा इससे फायदा उठा सकता है, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं। ओके, अब हमने ये देखना है कि जे हमारे पास जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए हम ये वाली एग्जांपल, क्योंकि ये भी एक एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन की और ये भी एक एग्जांपल है, ठीक है, दोनों में से कोई सी भी ले सकते हैं आप। यहां पर हमने एक फुटबॉल है उसकी एग्जांपल, यहां से उसको किक किया वो फुटबॉल मूव करता हुआ ये ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता हुआ यहां पर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली उसको कुछ वेलोसिटी मिली, उसको हम वी आई कह देते हैं इस डायरेक्शन के अंदर, आप ये कह सकते हैं दिस इज वी आई, ठीक है। ओके, तो अब हम इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, आप देखिए जरा रिवाइज कीजिए कि अगर एक फोर्स को हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक फोर्स है ऐसे, ये फोर्स एफ है, ठीक है, इसको आपने कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है तो आप क्या करते हैं, टॉप से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जो आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, एक ये इसका वाई कंपोनेंट आ जाता है, दूसरा इसका ये वाला ये एक्स कंपोनेंट आ जाता है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आप क्या लिखते थे, एफ कॉस थीटा, इसको आप लिखते थे एफ साइन ऑफ थीटा। तो सेम टू सेम यहां पर भी देखिए, जो आपने फुटबॉल को किक किया इस डायरेक्शन में गया फुटबॉल,
ये वेलोसिटी आपकी इनिशियल, इसके भी दो कंपोनेंट हैं, एक ये वाला कंपोनेंट है, दूसरा ये वाला कंपोनेंट है, एक अलोंग द एक्स एक्सिस और एक अलोंग द वाई एक्सिस। इसी तरह से आप इस इनिशियल वेलोसिटी को भी कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लें, एक इसका ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है, दूसरा इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट्स आ गए, चाहे तो आप यहां ड्रा कर लें, चाहे तो यहां ड्रा कर लें, आपकी मर्जी है। ये है एंगल हमारे पास थीटा, ठीक है, ओके। अब इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रही है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आप ये कंपोनेंट इसके सामने भी ड्रा कर सकते हैं, जिस तरह यहां पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये वाला कंपोनेंट जो है ये उसका एक्स कंपोनेंट है, वी आई एक्स, और ये वाला कंपोनेंट इसका वाई कंपोनेंट है, ठीक है, वी आई वाई, ठीक है, ओके। तो अगर ये वेलोसिटी वी आई है, ठीक है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा वी आई एक्स और ये वाला कहलाएगा वी आई वाई। तो इसके मुताबिक देखिए, ये जो बेस वाला कंपोनेंट है उसके साथ हम कॉस यूज करते हैं, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट के साथ हम साइन यूज करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी वी आई है तो ये बन जाएगा हमारे पास वी आई कॉस ऑफ थीटा, और ये क्या बन जाएगा फिर, जो वी आई वाई है यानी वर्टिकल कंपोनेंट, वो क्या बन जाएगा, वी आई साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि हमारे पास दो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस है वो वी आई कॉस थीटा है, और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस है वो क्या है, वी आई साइन थीटा। तो सिंपली आपने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटीज निकालने के लिए यहां पर जो आपने इनिशियल वेलोसिटी दी उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, एक कंपोनेंट उसका अलोंग द एक्स एक्सिस है, दूसरा कंपोनेंट उसका अलोंग द वाई एक्सिस है, ठीक है। तो आपको यहां पे फोर्स रिजॉल्व करने का तरीका पता है कि अगर ये फोर्स एफ है तो ये एफ कॉस थीटा होगा और परपेंडिकुलर वाला एफ साइन थीटा होगा। इसी तरह से अगर ये वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, ये वी आई है, तो इसका बेस वाला कंपोनेंट वी आई कॉस थीटा होगा और इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट वी आई साइन थीटा होगा। इस तरह आपके पास जो है वो दो रिलेशन आ गए, एक हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये वाला आ जाता है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, ओके ओके। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम इनकी फाइनल वेलोसिटीज को निकालते हैं। फाइनल वेलोसिटीज की हम कैसे निकालेंगे, आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम फाइनल वेलोसिटीज इनकी कैलकुलेट करेंगे अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, ओके जी। अब जरा देखिए, यहां पर पहले हम फाइंड कर लेते हैं वी एफ एक्स यानी फाइनल वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, उसमें फिर ये इनिशियल वेलोसिटी भी हमारे पास अलोंग द एक्स एक्सिस होगी, एक्सेलरेशन भी अलोंग द एक्स एक्सिस वाला, ठीक है। फिर सुन लें, फाइनल वेलोसिटी के लिए हम ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, और हमने फाइनल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी दोनों निकालनी है। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए क्या करेंगे, वी एफ के साथ हमने छोटा सा एक्स लगा दिया जो इस चीज को इंडिकेट करता है कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस है, फिर इनिशियल वेलोसिटी भी अलोंग द एक्स एक्सिस लेंगे, फिर एक्सेलरेशन भी अलोंग द एक्स एक्सिस लेंगे। अब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस क्या होती है आपके पास, वी आई एक्स, ठीक है, प्लस अब एक्सेलरेशन जो है वो अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हॉरिजॉन्टली हमने एयर फ्रिक्शन और तमाम फैक्टर्स को निगलेक्ट किया हुआ जो उसको स्लो डाउन करेंगे, इसलिए उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, जीरो मल्टीप्लाई बाय टी, तो ये आ जाएगा जी आपके पास वी एफ फाइनल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस। अब वी आई एक्स की वैल्यू यहां निकाल के हमने रखी हुई है, ये है वी आई एक्स, वो किसके बराबर है, वी आई कॉस थीटा के बराबर है, तो यहां लिखेंगे जी वी आई कॉज ऑफ थीटा, तो ये हमारे पास इसका रिलेशन आ गया। अब बच्चों जरा गौर से देखो, इनिशियल वेलोसिटी, शुरू में वेलोसिटी कितनी थी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वी आई कॉज थीटा, और फाइनल वेलोसिटी कितनी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वी आई कॉज थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने आइडियल प्रोजेक्टाइल कंसीडर किया हुआ है जिसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन आया ही नहीं, कोई वेलोसिटी में चेंज आया ही नहीं, इस वजह से इसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस भी वी आई कॉस थीटा है, इसकी फाइनल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस भी वी आई कॉस थीटा ही है, क्योंकि बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, ओके। उसके बाद हम ये देख लेते हैं जी, इसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ
अलोंग द वाई एक्सिस, तो आप लिख देंगे वी एफ वाई, ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी है अलोंग द वाई एक्सिस वी एफ वाई। उसके लिए भी हम इसी तरह से जो इनिशियल वेलोसिटी लेंगे उसका वाई कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम सारी बात वाई एक्सिस की कर रहे हैं ना, अब इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, ठीक है, वी आई वाई, ठीक है, प्लस जो एक्सेलरेशन होगा वो भी आपका अलोंग द वाई एक्सिस होगा। मैं चले छोटा सा साथ में वाई लिख देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस है। इधर भी फिर छोटा सा एक्स लिखना पड़ेगा, एक्सेलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, और साथ में क्या है हमारे पास, ये टी आ गया। ओके, तो अब देखिए जरा कि वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जब हमने इसको सेंड किया था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, वी आई साइन थीटा। तो वी एफ वाई इज इक्वल्स टू वी आई साइन थीटा, और एक्सेलरेशन, अब यहां से हम इसको ऊपर सेंड कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन है हमने पढ़ा वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा जी के बराबर। तो नीचे से ऊपर जाते हुए क्योंकि अपवर्ड जा रहे हैं हम, तो यहां पर जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आएगी, जी टी, ठीक है, ये आ गया हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का भी रिलेशन। ओके, अब हमें फाइनल वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन वो हमें मिल चुकी है, ठीक है, अब हम इसकी फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की हेल्प से फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो वो हमें कैसे मिलेगी, वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी वो बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ वी एफ एक्स का स्क्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। ये रिलेशन कहां से आया अब आप सोच रहे होंगे, तो मैं बता देता हूं आपको। देखिए, एक आपके पास कोई भी एक वेक्टर है, फर्स्ट कर लें चलें ये वी ही है, इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करें, दो कंपोनेंट मिलेंगे आपको, ये वर्टिकल कंपोनेंट है वी वाई, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स है, ये क्या है एंगल थीटा है। अब इस पे जरा पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है इसके अंदर, वी वी का स्क्वायर लगाएं, बेस क्या है इसके अंदर, वी एक्स उसका स्क्वायर लगाएं, परपेंडिकुलर क्या है, वी वाई उसका स्क्वायर लगाएं। अब हमें तो वी चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर से स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा और इधर उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो ये रिलेशन होता है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर ये वेलोसिटीज के लिए वैल्यू पुट कर देंगे, वी एफ इज इक्वल्स टू आ जाएगा जी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, क्या है फाइनल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, वो आ गई हमारे पास ये वी आई कॉस थीटा, वी आई कॉस ऑफ थीटा उसका स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर ले लें, प्लस फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, वो कहां पर है फाइनल वेलोसिटी, ये आ गया हमारे पास, इसकी ये वैल्यू है वो भी हम पुट कर देंगे, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी इसका स्क्वायर। तो ये आ गया जी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का रिलेशन। इस तरह बच्चों हमने चारों चीजें फाइंड कर ली कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन भी क्लियर कर लिया, इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में इसके डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिए, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटीज भी निकाल ली, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर फाइनल वेलोसिटी भी निकाल ली, और एंड पे हमने उसकी जो फाइनल वेलोसिटी आएगी, ठीक है, एक्चुअल वेलोसिटी, उसकी टोटल वेलोसिटी वो भी हमने फाइंड कर ली, तो वी एफ हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है।